हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स यूजिंग सी प्लस प्लस। तो ये कोर्स कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो माय नेम इज मिहिर सिंह एंड मैं एनएसआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ। एनएसआईटी आप लोगों को पता होगा, एक टीयर वन कॉलेज है दिल्ली में, बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो एंड मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक्सपीडिया में, एंड आई एम रेटेड कोडशेप पर 5 स्टार मैक्स एंड एक्सपर्ट ऑन कोड फोर्सेस। एंड जो मेरे सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के जो रिवॉल्व करेगा टॉपिक्स के अराउंड, वो होंगे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, डीएसए एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन से मेरा क्या मतलब है, किस चीज की इंटरव्यू प्रिपरेशन? तो जॉब की, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन जॉब की, जो हम प्लेसमेंट्स में ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस सॉफ्टवेयर की फील्ड में लेते हैं, तो उसमें हमारे से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पूछा जाता है, तो वही कोर्स है और उसी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अनअकैडमी पे जो अभी बैचेस चल रहे हैं उनके बारे में इन्फो देना चाहूंगा आपको। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मिहिर 10 आप कोड यूज कर सकते हो 10% ऑफ के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, प्लस सब्सक्रिप्शन पर। अब वो बैचेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। न्यू बैचेस जो अनअकैडमी पर चल रहे हैं, वो सिस्टम डिजाइन, बैकएंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो आजकल हो क्या रहा है ना, इंटरव्यू जो होते हैं जॉब के लिए, उसमें सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, LLD, HLD, हाई लेवल, लो लेवल डिजाइन के। तो बैकएंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट तो जोरों शोरों पे है ही। मतलब आप अगर इंडस्ट्री की बात करोगे सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो यही मेन काम आता है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या डीएसए इतना ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन हाँ वो एक पिलर है, बेसिक पिलर, वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइव चल रहा है, आपको डेट्स दिख रही होगी, 21 जून, 22nd और ऐसे ही 21st एंड 21st। तो जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, तो ये एक बहुत मेजर पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू का। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, तो इंटरव्यू में आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे पक्का बहुत सही सही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सब का मास्टर कोर्स है यहाँ पर, आप ले सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट तो है ही, मतलब सब कुछ होगा इसमें, फ्रॉम फंडामेंटल्स टू करियर रेडीनेस, मतलब आपको जॉब के लिए रेडी कर देंगे वो। और आप अगर कॉलेज में हो तो आपका भी फायदा हो जाएगा, आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो बहुत सारे। तो ये सारे कोर्सेज लाइव चल रहे हैं, आप इनमें से किसी में भी इनरोल कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट और गोल के हिसाब से। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के जो बेनिफिट हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन है कि इंडिया के बेस्ट प्रोग्रामर आपको पढ़ाएंगे। तो अनअकैडमी पर सारे बेस्ट टीचर एजुकेटर्स आ रहे हैं पढ़ाने के लिए और प्रेजेंट भी हैं। तो आप वो प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। लाइव क्लासेस में आप बहुत सारे डाउट्स पूछ सकते हो, आपके डाउट ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। और डाउट सपोर्ट के लिए आपको टीचिंग असिस्टेंट्स मिलेंगे, जिनका यूज करके आप अपने पर्सनल डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पे इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कनेक्ट उतना नहीं हो पाता है जितना आप प्लस सब्सक्रिप्शन में फायदे में ले सकते हो, ठीक है। तो डाउट सपोर्ट का एक यहाँ पे फीचर है, और प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको प्रॉब्लम्स कोड शेफ की, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के बेसिस पे होगी और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के आसपास होगी। तो कोड शेफ, जैसे कि आपको पता होगा, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट है, तो इसकी प्रॉब्लम्स ही हमारा एम होता है सॉल्व करना। तो उसी को अगर प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो मतलब इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। तो ये सारे फायदे हैं, आपको दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन के जो भी फीस है यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे MIHIR10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। तो जरूर यूज करो अगर आप कोर्स किसी में भी एनरोल कर रहे हो तो, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, मतलब सस्ता है अगर आप डे वाइज के हिसाब से देखोगे तो, बहुत सही है, मतलब इससे सस्ता तो क्या ही होगा। तो ये हो गया अपना अनअकैडमी प्लस। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कोर्स पे, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स यूजिंग C++ मैं स्टार्ट करूंगा, गारंटी मेरी कोर्स के एंड होने के बाद आप प्रो हो जाओगे, ठीक है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी इतने तो हो ही जाओगे कि एक एवरेज से ऊपर आप काउंट होगे, ठीक है। और एक उसमें भी आपको जॉब प्रिपरेशन में भी मदद मिल जाएगी डीएसए की, जो कोडिंग राउंड्स होते हैं और इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब आप कर दोगे, इसकी गारंटी मेरी, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है यहाँ पर, इट्स फॉर एवरीवन, सबके लिए, बिगिनर टू एडवांस सबके लिए, सब कुछ कवर होगा इसमें। और C++ मैं क्यों यूज करूंगा, तो C++ इसलिए यूज करूंगा क्योंकि मेरे को वो सबसे अच्छी आती है, मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें,
और सी प्लस प्लस एक बहुत वाइडली यूज लैंग्वेज है, मतलब बहुत ही कॉमन है अगर किसी को स्टार्ट करना होता है कॉम्पिटिटिव या फिर डीएसए नॉर्मल, तो वो सी प्लस प्लस बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें हम कुछ भी तोड़ मरोड़ करके यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम डेटा स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि काफी लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सी प्लस प्लस एक बेस्ट लैंग्वेज है मेरे हिसाब से, तो मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो कौन कर सकता है ये कोर्स? तो कोर्स ये कर सकता है अगर कोई बंदा स्कूल में है। ठीक है, अगर आप स्कूल में हो, आपको सीखना है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो स्कूल में भी ये आ रहा है, और आप कॉलेज में हो, आपको कॉलेज की प्लेसमेंट्स के लिए चाहिए, ठीक है, या फिर आप जॉब कर रहे हो, आपको जॉब स्विच करनी है, तो भी आपको डीएसए चाहिए। ये तो मतलब बहुत ही रिक्वायर्ड चीज है आज के टाइम पे, अगर आपको जॉब लेनी है, या एक बेसिक स्किल की में भी काउंट होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो आप एक बेसिक स्किल की तरह भी इसको सीख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी इस कोर्स को कर सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर इट्स फॉर एवरीवन, तो हर लेवल का आदमी इसे कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको जो मैं बताऊंगा वो सीखना है और प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम गारंटी मेरी है, सब समझाऊंगा स्क्रैच से लेके। तो आगे बढ़ते हैं कोर्स कंटेंट पे, तो जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे कोर्स कंटेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिक टू एडवांस, ठीक है, लेफ्ट में उसके ट्री बना हुआ है, अगर किसी को बेसिक आइडिया है तो वो ट्री है, ठीक है, तो ग्राफ कह सकते हैं हम इसे। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिक टू एडवांस कवर होगा इसमें। बेसिक क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? एरे होता है, वेक्टर, जो कि अब एरे को हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं, वो भी मैं सब बताऊंगा सी प्लस प्लस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिक टू एडवांस मतलब एरे से लेकर स्टैक से लेकर क्यू से लेकर ट्री, ये सब हो गया। फिर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर यानी कि सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री, ट्राइज, और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके मैनिपुलेशन करेंगे कि क्या क्या चेंज करके हम कैसे हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम ये जानेंगे कि किस प्रॉब्लम में ये डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा। ठीक है, वो सारे कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, ये सब हो गया डेटा स्ट्रक्चर में। फिर आता है एल्गोरिथम्स बेसिक टू एडवांस, ये भी एल्गोरिथम्स में क्या होगा? एल्गोरिथम्स में बेसिक होगा, सबसे पहले ब्रूट फोर्स देखेंगे। ब्रूट फोर्स मतलब अगर किसी को नहीं पता, जो सबसे स्लोएस्ट और सिंपलेस्ट सोल्यूशन होता है हमारा, हमारा सोल्यूशन जो है फास्ट होना चाहिए, एफिशियंट होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है जॉब में भी और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी। यहाँ पर टाइम की बहुत लिमिट रहती है, तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो होता है वो सबसे बेसिक होता है और सबसे स्लो सॉल्यूशन होता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें बेसिक से स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे उसे ऑप्टिमाइज करके एफिशिएंट बनाएंगे यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स मेंशन्ड अबव या फिर कोई एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होगी? सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, जैसे किसी एरे को सॉर्ट करना होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत मत लेना, मैं समझाऊंगा। एरे को सॉर्ट करना है यानी कि मर्ज सॉर्ट लगाएंगे, क्विक सॉर्ट लगाएंगे, सिलेक्शन सॉर्ट लगाएंगे, ठीक है, और इनबिल्ट सॉर्ट भी यूज करेंगे, उसे देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सॉर्ट यूज होते हैं सी प्लस प्लस में, तो ये सब देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में। फिर थोड़े एडवांस एल्गोरिथम्स भी पढ़ेंगे, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, जी एल्गोरिथम होता है, केएमपी एल्गोरिथम होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम हो गए। अब हम ट्रीज में भी देखेंगे कि भाई एलसीए लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी लिफ्टिंग को यूज करके, वो कैसे होता है। तो ये तो मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे हैं एडवांस चीजें हैं, बिगिनिंग बिगिनर टू एडवांस सब कुछ कवर होगा एल्गोरिथम्स में भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंट हो जाओगे आप सी प्लस प्लस में, अगर आपने ये कोर्स को अच्छे से फॉलो करा, तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा सी प्लस प्लस, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट हूं, तो आपको भी एक्सपर्ट बना के जाऊंगा। तो सी प्लस प्लस में हम इनबिल्ट जो लाइब्रेरीज हैं, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, उन सबको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन के भी रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कैसे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं इस लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज बहुत बेस्ट है, ये आपको आगे की वीडियोज में पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या करके हम कुछ भी कर सकते हैं इस लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो ये बेस्ट लैंग्वेज है और फास्ट लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंट हो जाओगे आप, सब कुछ इंप्लीमेंट करना आ जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स की, इजी मीडियम हार्ड। तो प्रैक्टिस करेंगे इससे क्या मतलब है कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर आ गया, एल्गोरिदम आ गया, सी प्लस प्लस में लिखना आ गया कोड, लेकिन आप इजी मीडियम हार्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा? तो मैं आपको थॉट प्रोसेस समझाऊंगा कि किसी प्रॉब्लम में कैसे सोचना है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगेगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स देखकर हमें कैसे आइडिया लगेगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग लग रही है, तो ये सब हम देखेंगे। सारी प्रॉब्लम्स उठाएंगे कोडशेफ और भी कॉम्पिटेटिव वेबसाइट से, और उसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, और अपन
स्किलफुल हो जाएंगे इस पूरे उसमें डीएसए में। डीएसए विद सी प्लस प्लस आपको आ जाएगा, चाहे आपका प्लेसमेंट गोल हो या फिर जॉब चेंज करना हो या फिर एक ऐसे ही स्किल चाहिए हो या फिर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में एक्सेल करना हो, तो इस कोर्स में सब होगा, एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ कवर करूंगा मैं। तो जैसे कि लिखा है बोल्ड में, रिजल्टिंग इन स्किलफुल यू, ये एक स्किल है बहुत बड़ी, डीएसए विद सी प्लस प्लस, ये एक बहुत सही स्किल है आज के टाइम पे। तो आपको ये स्किल पक्का पक्का आ जाएगी अगर आपने ये पूरा कोर्स फॉलो करा तो। ठीक है, तो ये बात हो गई कोर्स कंटेंट की। तो यही है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी प्लस प्लस कोर्स। तो ये फ्री है यूट्यूब पे, अनअकैडमी का चैनल है कोडवर्स, सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक नहीं कराया तो लाइक करो, क्योंकि फ्री कोर्स है, कोई पैसा नहीं लग रहा, बस आपका डेटा पैक जाएगा, उतना तो आप वैसे ही निकाल देते हो इधर उधर की वीडियोस देखने में, तो यहीं पे वीडियोस देख लेना और स्किल भी आ जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और इसे शेयर करो वीडियो को, कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हजारों लाइक और सब्सक्राइब आने चाहिए, बिल्कुल पक्का पक्का। ठीक है, तो मैं जल्दी मिलूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो घबराना नहीं है, बस फॉलो करना है, कुछ महीनों में आप प्रो हो जाओगे, ये गारंटी मेरी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मजे करो।